नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आने वाले नए साल 2023 की सिल्क टीवी परिवार की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के गृह विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक 2022 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को बिहार में 46 IPS अफसरों का तबादला हो गया है, जिसमें से कई जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं। बता दें कि गोपालगंज के SP आनंद कुमार को भागलपुर का नया SSP बनाया गया है, जो जल्द ही भागलपुर SSP कार्यालय में अपना योगदान देंगे। वहीं भागलपुर SSP बाबूराम का यहाँ से तबादला कर उन्हें बेगूसराय का DIG बनाया गया है। इधर भागलपुर के CT SP स्वर्ण प्रभात को गोपालगंज के SP का पदभार दिया गया है। नवगछिया बीपुर की लत्तीपुर स्थित जमालदीपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड नंबर 8 के निवासी पूर्व जिला परिषद के छोटे भाई सुनील सिंह की अपराधियों द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर बीपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह की अगुवाई में एक नामजद आरोपी को दबोच लिया गया। इसको लेकर नवगछिया SP शांत कुमार सरोज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कुख्यात कन्हैया चौधरी का पिता मनोज चौधरी है। उन्होंने बताया कि मृतक किसान सुनील सिंह की पत्नी रीता देवी उर्फ नमिता के फर्द बयान पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें सोन वर्षा के कुख्यात कन्हैया चौधरी, मनोज चौधरी और 3 अज्ञात को नामजद किया गया है। वही इस मामले को लेकर शुक्रवार को नवगछिया SP शांत कुमार सरोज घटनास्थल पर पहुंचे, जहां कुख्यात कन्हैया चौधरी द्वारा जमालदीपुर के किसान सुनील सिंह उर्फ सुन्नी को पीटकर अधमरा कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि एक अपराधी मनोज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कन्हैया को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। घटना को लेकर SP सरोज ने बताया कि कुख्यात बदमाश कन्हैया के घोड़ी के पैर में चोट लगी थी, जिसके चलते वह नाव पर बैठे लोगों से गमछा मांग रहा था, जिसको लेकर कोई बात पर सुनील सिंह से कहासुनी हो गई और इस दौरान कन्हैया ने इस वारदात को जाम दे दिया। मौके पर मौजूद कन्हैया के साथ एक और लड़का था। इधर भीपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि मृतक किसान सुनील सिंह की 2 पुत्री है। एक पुत्री प्रिया कुमारी कक्षा 7 में पढ़ती है। पिता के नहीं रहने पर उन लोगों को अब काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि उसके 10वीं तक की पढ़ाई का खर्चा वे उठाएंगे। लोगों से भी कपड़ा गमछी मांगा कि सब पट्टी बांधे, नहीं दिया। उसी में फिर इसे भी जो मृतक से गमछी पट्टी मांगा, नहीं दिया। उसी में दोनों कुछ बहस हो गई थी। उसी के बाद ये इसके साथ एक लड़का और था, जिसका मैं नाम शेयर नहीं कर रहा, वो दोनों मिल के से पीटते पीटते यहाँ लाया। और पीटने के बाद जब घर वालों को मालूम हुआ, थाना को मालूम हुआ, उसे इलाज के लिए लिया गया, यहाँ इलाज कर उसकी मृत्यु हो गई। अर्थात का मतलब ये हुआ कि नाम पूछने के आधार पर कोई घटना ये नहीं है। घटना कारण क्या है, उसके घोड़ी के पैर में चोट लग गया था, तो खून बह रहा था, पट्टी बांधने के लिए गमछी मांगा, गमछी नहीं देने, और उसी में जो बहसबाजी हुई उसका घटना घटित थी। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हो गई, प्राथमिकी दर्ज होगी। मृतक के पत्नी के फर्द बयान पर प्राथमिकी हुआ है। कन्हैया और उसके पिताजी मनोज चौधरी दोनों थे यहाँ पर, जिस बादशाह पे मारपीट किया है उन्होंने लिखा है। तो पिताजी के जो फादर है मनोज चौधरी, अरेस्टिंग हो गया है। कन्हैया लगातार फरार है, हम जल्द गिरफ्तार कर, और 3 अज्ञात लोगों का भी है इसमें। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों के सम्मान में TNV कॉलेज की वरीय शिक्षिका प्रोफेसर अर्चना शाह द्वारा दिए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना के दूसरे दिन छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपना समर्थन दिया। इस दौरान छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार के नेतृत्व में धरना दिया गया। वहीं छात्र राजद ने कहा कि प्रोफेसर शाह की मांग के समर्थन में 2 जनवरी को विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन परिसर तक कुलपति का अर्थी जुलूस निकाला जाएगा, जिसके साथ ही चरणवत आंदोलन की शुरुआत होगी। इसको लेकर कुलानुशासक को आवेदन देते हुए छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि कुलपति द्वारा राजभवन के निर्देश का उल्लंघन किया गया है, जिसमें सूबे के प्रतिष्ठित TNV कॉलेज में महाविद्यालय की वरीय शिक्षिका प्रोफेसर अर्चना शाह की वरीयता को दरकिनार कर अवैधानिक और नारी विरोधी कदम उठाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रोफेसर अर्चना शाह से कनीय शिक्षक प्रोफेसर सचिदानंद पांडेय को महाविद्यालय का प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया गया है। धरना पर मैं बैठी हूँ वरियतम शिक्षकों के सम्मान के रक्षार्थ हेतु, और चूँकि 3 बार मैंने प्रतिवेदन दिया कि आई एम द सीनियर मोस्ट, लेकिन जो है उस पर कोई निष्पक्ष जो निर्णय होता है वो अभी तक हमें नहीं मिला है, और हमसे काफ़ी जूनियर को प्रभारी प्राचार्य बना दिया गया है। और जो हमारी इच्छा है कि वरियतम शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए,
उसके स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए, तो वो नहीं हुआ। इसलिए मैं यह कदम उठाने के लिए विवश हूँ कि अनिश्चितकालीन धरना अभी दे रही हूँ, और अगर नहीं निष्पक्ष न्याय मिलेगा तो तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे और आगे आमरण अनशन भी करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वरियतम शिक्षकों के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का प्रश्न है, और इसलिए मैंने यह कदम उठाया है। भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा ने भागलपुर नगर निगम के महापौर के पद पर जीत दर्ज करने पर नवनिर्वाचित मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल को बधाई दी है। विधायक ने डॉक्टर वसुंधरा लाल की जीत पर कहा कि यह कोई पार्टी की जीत नहीं है और ना ही यह दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी की जीत है। अजीत शर्मा ने कहा कि यह भागलपुर की जनता और शहर के विकास के लिए मिली जीत है। उन्होंने कहा कि भागलपुर को पढ़ी लिखी शिक्षित मेयर मिली है और उन्हें पूरा विश्वास है कि सभी मिलकर भागलपुर का विकास करेंगे, जिससे भागलपुर स्वच्छ और सुंदर दिखने के साथ लोगों की सुविधा का भी ख्याल रखा जा सके। साथ ही बिना किसी दल का नाम लिए विधायक ने कहा कि अगर कोई भी इसे पार्टी विशेष से जोड़ता है तो यह किसी भी स्थिति में सही नहीं होगा। लेकिन आज अखबार में पढ़ रहे थे कि भाजपा समर्थित कोई चुनाव, ये जो मेयर डिप्टी मेयर, कोई पार्टी विशेष पर नहीं हुआ है, इसलिए यह कहना अखबार के माध्यम से कि वो भाजपा से जुड़ी हुई, यह गलत है। जनता ने वोट विकास के नाम पर दिया है और नए लोगों को दिया है, चूंकि आदरणीय मेयर सीमा साहब पहले से मेयर रह चुकी थी, शहर का बहुत विकास, नगर निगम की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए जनता ने उम्मीद किया और मैं भी उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले उनको बधाई देते हैं जीत की, और हम उम्मीद करेंगे, अब हम तो काम कर ही रहे हैं विधायक के नाते, वो भी मिलजुल के हम लोग सब लोग शहर को सुदृढ़ करने, सुंदर करने और स्मार्ट सिटी का जो रूप चयन हुआ है उसमें प्रदर्शित करने के लिए हम लोग काम करेंगे। और फिर से उनको जनता की तरफ से भी बधाई देता हूँ कि आइए मिलजुल के काम करें। नवगछिया रंगरा स्थित प्रखंड प्रमुख कार्यालय में रंगरा चौक के प्रखंड प्रमुख संजीव कुमार उर्फ मोती यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रखंड की इंदिरा आवास सहायक रश्मि कुमारी समेत कई के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना में 20 से 40,000 रुपये की अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोती यादव ने कहा कि 1,20,000 की राशि में से लाभुक से 40,000 रुपये ले लिया जाता है, जो खुलेआम भ्रष्टाचार है, और ऐसे में लाभुक अपना घर कैसे बना पाएंगे। इंदिरा आवास सहायक रश्मि कुमारी और उनके सहयोगियों पर आरोप लगाते हुए मोती यादव ने कहा कि लाभुकों को डराया धमकाया जाता है, जबकि इस बात की शिकायत भी किसी से नहीं करने को लेकर पैसा वापस हो जाने की भी बात कही जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भय और बेबसी के कारण लोग अपना मुंह खोलने से डरते हैं, लेकिन प्रखंड के सभी लोगों और लाभुकों को किसी भी दलाल, बिचौलिया या फिर पदाधिकारी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। मोती यादव ने कहा कि कोई भी अगर गलत रूप से पैसा मांगे तो उसे नहीं देना है, जबकि सीधे लाभुक सीधे उनसे भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तिनटंगा दक्षिण के वार्ड नंबर 4 के लाभुकों ने उन्हें आवेदन दिया है, जिसे वो सरकार के साथ जिले के सभी पदाधिकारियों तक पहुंचाएंगे। वहीं अगर लाभुकों की मांग को अनसुना किया गया तो वे चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे, जिससे सरकार द्वारा आम लोगों के लिए चलाए जा रहे कई तरह की योजनाओं में पंचायत स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा रहा है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। घर पस रहा है, हम जो है शुगर का पेशेंट है, हम 1 साल से अंग्रेजी दवाई खा रहे थे, अंग्रेजी दवाई से हमको उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। फिर हम एक राय से परामर्श लिए और दवाई खाए, आयुर्वेद का दवाई खाए, आयुर्वेद का दवाई खाने के बाद हमको बहुत फ़ायदा हुआ। 1 महीना में ही हमको फ़ायदा होने लगा, बहुत फ़ायदा हुआ, और 3 महीना में मेरा बीमारी डर से छूट गया। और हम रोटी चावल भात सब खाते हैं और हम इनके दवाई से बहुत संतुष्ट हैं। 1 महीने से मेरा दवाई बंद है, सब कुछ खाने के बाद मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है और मुझे कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। नाम है रेखा देवी, खगड़िया जिला को रहने वाले हैं, और हमको 1 साल से शुगर था, तो कोई आदमी बताया कि जाइए भागलपुर में डॉक्टर है एक ही राय, तो यहाँ आए तो दवाई दिए डॉक्टर साहब, तो 8 दिन में ठीक होने लगे। अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं, शुगर नहीं घट रहा था और मेरा पेशाब में जलन था, तो वो सब ठीक हो गया।
महीना से दवाई चल रहा था, 3 महीना दवाई खाए और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अब दवाई नहीं खाते। सब चीज खाने के बाद अभी रिपोर्ट ठीक है, सब चीज खाते हैं, खाना जो होता है फल फ्रूट दाल चावल सब खाते हैं, अभी ठीक है, हम दवाई नहीं खाते हैं, दवाई बंद है। सेट पर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैन समाज की महिलाओं एवं बच्चों द्वारा जैन पूजनीय तीर्थ स्थल श्री समवेत शिखर जी को राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में बच्चों एवं महिलाओं ने विरोध दर्ज कराया। लोगों ने कहा कि इस पवित्र स्थल से जैन धर्म के 24 तीर्थकर में 20 तीर्थकर मोक्ष गए और ऐसे पवित्र धार्मिक स्थल को बढ़ावा देने की बजाय पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने से तरह तरह की विसंगतियां आएंगी। जैन धर्मावलंबियों ने कहा कि पर्यटन स्थल बनाने से लोग इससे पिकनिक स्पॉट की तरह लेंगे और यह एक गलत जगह का केंद्र बनेगा। इसके अलावा झारखंड के गिरिडीह में सदियों से होने वाले विख्यात समवेत शिखर सम्मेलन को पूजनीय जैन धार्मिक तीर्थ स्थल एवं निरामिष स्थल के रूप में मान्यता देने की बात कही गई। साथ ही कहा कि उनकी मुख्य मांग तीर्थों का विकास श्रद्धा एवं आस्था के अनुरूप होने की है, जिससे श्री समवेत शिखर तीर्थ स्थान की सीमा में मांसाहार एवं नशाखोरी पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो। भागलपुर मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के द्वारा शराब के साथ पकड़े गए गाड़ियों की नीलामी की गई। बता दें कि भागलपुर में 53 थाना क्षेत्र से जब्त किए गए वाहनों का अधिग्रहण कर भागलपुर मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग कार्यालय लाया गया था, जिसमें 60 गाड़ियां शामिल थी। वहीं इन सभी गाड़ियों को अधिकारियों की मौजूदगी में बोली लगाकर नीलाम कर दिया गया। बताया जा रहा है कि विभाग ने इसकी तैयारी पहले से कर ली थी, जिसको लेकर पहले ही लोगों ने आवेदन भी दिया था, जबकि बोली लगाकर सभी गाड़ियों को उचित कीमत में आवेदनकर्ता को दे दिया गया। पूरी नीलामी कार्यक्रम मद्य निषेध एवं उत्पाद कार्यालय भागलपुर में संपन्न हुआ। अभी करीब करीब 60 गाड़ियों का जो अधिग्रहण होकर आया है, नीलामी की जा रही है वाहनों की। जब्त वाहन विभिन्न थानों में लगी है, उसके लिए आवेदक अप्लाई किए हैं, उस पर नीलामी चल रही है। विभिन्न थाने हैं, बहुत सारे थाने हैं भागलपुर में, 41 और वहाँ 12 53 थाने हैं, टोटल 53 थाने भागलपुर के, उनके जब्त वाहनों की नीलामी हो रही। भागलपुर के रेल डाक सेवा प्रांगण में शनिवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मनोज कुमार मंडल ने की। दरअसल अभिलेख अधिकारी विभूति प्रसाद कापरी छटाई, सहायक कृष्ण गोपाल प्रसाद एवं रेल डाक जन पदाधिकारी अर्जुन राम की रिटायरमेंट को लेकर बधाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों अधिकारियों को अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया, जबकि विभाग और
और सहयोगी की ओर से उपहार भी दिया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान विशेष अतिथि नवीन कुमार सिंह, इंस्पेक्टर IRPT 3 और कमलेश कुमार समेत विभाग के कई कर्मी और सहयोगियों ने तीनों ही अधिकारियों के कार्यकाल की सराहना की। साथ ही विभूति प्रसाद कापरे, कृष्ण गोपाल प्रसाद और अर्जुन राम के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की। मौके पर प्रशांत कुमार, आनंद कुमार, मोहम्मद सरफराज आलम के अलावा कई लोग मौजूद रहे। मेरा कार्यकाल इस कार्यालय में बहुत अच्छा रहा। तमाम स्टाफ से सहयोग मिला, हमारे तरफ से भी पूरा सहयोग मिला। भरसक पूरा प्रयास के हम सहयोग देने का, दोनों के बीच का जो कोऑपरेशन था वो बहुत अच्छा था। आशा करते हैं कि आने वाला जो ऑफिस में जो लोग रहेंगे ऐसा ही कोऑपरेशन बना के रखें ताकि काम सुचारू पूर्वक चल सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।